पाटलकर, मैं आपसे यही पूछ रही थी, मैं यही कह रही थी कि चीन का जो चरित्र है उसे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, किस तरह से जमीन हड़पी जाती है, जमीन पर कब्जा किया जाता है और मुल्कों और देशों की जमीन को किस तरह से हड़प हड़प कर चाइना ने अपनी जमीन बढ़ाई है। ये अक्सर चीन नहीं, अक्सर इंडिया है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। टिबेटन कम्युनिटी, टिबेटन वर्ल्ड को पता है कि चाइना का असलियत क्या है। हमने 1949 से शुरू होकर 59 तक हमने देखा है अपने देश को पूरे तरफ से चाइना ने हड़पते हुए। उस समय हम सबको वी हैव टू नो दैट इंडिया की तरफ से जिस तरह का सपोर्ट हमने उम्मीद की थी उस समय हमें नहीं मिला था। उसी वजह से धीरे धीरे करके उनका हौसला बढ़ा और हमने 62 में देखा कि किस तरह से चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। और धीरे धीरे करके अगर हम एक डिकेड की बात देखें तो चाइना ने पूरे बॉर्डर में उन्होंने अटैक करना शुरू की थी। अभी जो गलवान वैली में हुआ वो अचानक से हुआ नहीं है, वो हमेशा से चल रहा था पर हमारे नजर में नहीं आ रहा था। इसलिए आई थिंक आज इस बार जो हुआ हमें लगता है अच्छा हुआ। ऑब्वियसली हमें दुख है जो हमारे जवान के साथ हुआ, हमें बहुत दुख है, इसके लिए हम सॉलिडारिटी देते हैं। पर बेशक हमें ये पता चलना चाहिए कि जो हमारे साथ इस बार हुआ हमें इसको एक एजुकेशन की तरह लेना चाहिए, एक सीख की तरह लेना चाहिए और इस बार हमें ठोस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। आप जब ये कहती हैं कि इस बार एक्शन होना चाहिए, ये लगातार हो रहा है, आप ये मानती हैं कि चीन लगातार इस प्लानिंग में, इस चालबाजी में रहता है कि किस तरह कहां कब जमीन हड़प ली जाए? बिल्कुल बेशक, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। कुछ दिन पहले हमने देखा था जिस तरह से नेपाल इंडिया के ऊपर आए थे बॉर्डर इश्यू को लेकर। अभी हम ये न्यूज सुन रहे हैं कि नेपाल का एक जो जगह है चाइना ने हड़प लिया, वो चाइना बन गया। सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। सोचिए नेपाल का एक हिस्सा किस तरह से चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। यही फितरत रही है चीन की। बिल्कुल नहीं है, एग्जैक्टली। तो वो सिर्फ इंडिया नहीं है, पूरे साउथ चाइना सी में जिस तरह से हमने देखा है उन्होंने पूरे लैंड को हड़पते हुए, इसको इंडिया को बिल्कुल एक सीख की तरह लेना चाहिए और हमें एक ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि चाइना को एक मैसेज दे सके कि हम ये टॉलरेट नहीं करने वाले। क्योंकि अगर हम ये देख ले कि उनके साथ सुलह करने में लगे रहे तो चाइना को लगेगा कि हमारा जो पावर जो है किसी के ऊपर चल सकता है, किसी के ऊपर हम कुछ भी बोल सकते हैं और हम उस जमीन को अपनी तरफ ले सकते हैं। तो इसको हमें लगता है कि we have to clarify this। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रही हैं। हमें लगता है कि इंडिया के पास पूरी पावर है। आप बिल्कुल बड़ी बात कह रही हैं। मैं यही बात लेकर जा रही हूँ, मैं यही बात लेकर कर्नल दिनेश, अब पहले अवनी जयेश जी के पास चली जाती हूँ। अवनी जयेश जी,